हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपके पास ये सवाल है, कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं तो कुछ झोपड़ों में, कुछ लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके सामने आती रहें और आप अपने जीवन को और सक्षम और बेहतर और सुंदर बनाते रहें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति अपने गोल को अचीव कर पाता है, जो भी व्यक्ति, जो आज 95% लोग असफल रहते हैं और सिर्फ 5% ही लोग सफल हो पाते हैं, उनकी सफलता का कारण है कि वो अपने काम से, अपने विचारों से और अपने एक्शन से अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ में अलाइन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन होते हैं। अब बात आती है कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है क्या। दोस्तों, इसको इस तरह से समझिएगा कि कॉन्शियस माइंड आपका गार्डनर है और सबकॉन्शियस माइंड गार्डन। अब गार्डनर जो कुछ भी इस गार्डन में बोता है, ये गार्डन वही निकाल के उसी चीज की, उसी का फ्रूट उसको दे देता है। अब बात आती है कि सर ये देता कैसे है, क्या देता है। अगर ये गार्डनर इसको फूल का पौधा देगा या फूल का बीज देगा तो ये उससे बना करके फूल दे देगा इसको, और यदि ये गार्डनर इसको कांटों का बीज देगा तो ये उससे उगा करके कांटे बनाकर इसको दे देगा। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्शियस माइंड पर कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे रहे हो। अगर आप सकारात्मक विचार दे रहे हो, यदि आप गोल दे रहे हो, यदि आप कोई मकसद दे रहे हो, तो ये उसको मकसद दिया और इसने आपके सामने एक नया फ्रूट निकाल के दे दिया। तो दोस्तों, जब आप उस चीज पे काम कर रहे होते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड यदि अलाइनमेंट पे होंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सकारात्मक विचार दें, सकारात्मक चीजें दें। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक बहुत अच्छी कहावत है जो हमने आपने बहुत बार सुनी भी है। तो दोस्तों, वही चीज है कि जैसे थॉट्स आपके होंगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखे, अपने थॉट्स पे यूटिलाइज करना सीखे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना थॉट्स रूपी एक बीज देना सीखे ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को प्रोटेक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में आपकी सहायता करे। दोस्तों, एक चीज देखिएगा, कोई भी चीज आपके चारों तरफ है। आज जिस भी चीज को आप देख रहे हो, आप इस फोन में अगर ये वीडियो देख रहे हो या अपने लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो या अपने टीवी में वीडियो देख रहे हो, तो जरा सोच के देखिएगा ये चीज पहले कहां बनी। किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग में बना, सबसे पहले वो आदमी के, वुमन के दिमाग में बना। उसने उस पर विश्वास किया और जब उसने उस पर विश्वास किया तो उसने उस पर काम करना शुरू किया। उसने काम करना शुरू किया, वो एग्जिस्टेंस में आई। दोस्तों, जब भी कोई चीज बनी है तो वो आपके अंदर से शुरू होकर के बाहर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप अंदर से किस तरह से प्रेरित हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज देता है, बट आप उस पर कितना विश्वास करते हैं ये डिपेंड करता है आपका एक्शन, वो डिसाइड करता है, आपका विश्वास डिसाइड करता है कि आप कितने एक्शन लेंगे उस पे। दोस्तों, जब सोच के देखिएगा, किस चीज पे आपको विश्वास ही नहीं कि आप इस काम को कर पाएंगे, तो क्या अपना आप 100% दे पाएंगे उसको, नहीं दे पाएंगे। और जब आप 100% दे ही नहीं रहे हैं तो उसमें 100% रिजल्ट आने की अभिलाषा कितनी है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितनी आशाएं हैं आपकी कि 100% रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आपने 100% नहीं दिया तो 100% रिजल्ट कहां से आएगा। 100% देने के लिए आपको अपने आइडिया पे विश्वास करना पड़ेगा और अपने आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको, आपके थॉट्स को आपके सामने फाइनल स्टेज में लाके रखेगा और आप
उनके आइडियाज उन आइडियाज पे एक्शन करोगे, आपके सामने वो ऐसे ऐसे लोगों को लेके आएगा जो उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो उसी फील्ड में काम करना चाहते हैं। और दोस्तों आप अपने जीवन को और सफल और सक्षम और सुंदर बना पाओगे। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह काम करता है। तो दोस्तों आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए, अपने कॉन्शियस माइंड से आप चाहते क्या है वो डिसाइड करें और अपने सबकॉन्शियस तक वो मैसेज पहुंचाएं। अब ये चीजें कैसे पहुंचा सकते हैं उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो में देख सकते हैं कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाएं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है जब आप इन टेक्निक्स को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो ना केवल अपने जीवन को सफल बना पाओगे बल्कि आप अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए एक बेहतरीन एसेट्स बनोगे। लोग आपके बारे में बात करने में प्राउड फील करेंगे, लोग आपको अपना बताने में प्राउड फील करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको कोई सवाल होता है वो भी मुझे आप बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको मैं कवर कर पाऊं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।